राज्य की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने पर ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल का व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। व्यापारियों ने इस मौके को जश्न के रूप में मनाया। वहीं मौके पर आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर बधाइयां भी दी। इस दौरान पुष्कर प्रेम जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया के नेतृत्व में व्यापारियों का वर्ग दून तिराहे पर इकट्ठा हुआ, जहां आतिशबाजी करते हुए पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने पर खुशी का इजहार किया गया। श्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम नेताओं का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को पिछली बार अध्यक्ष विधानसभा और इस बार कैबिनेट मिनिस्टर बना के मेरा सम्मान किया। मैं उनका आभारी हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से नेतृत्व जो भी मुझे कभी भी जिम्मेवारी जब भी दी हो, मैंने उसे बखूबी निभाया है। निश्चित रूप से ये नया जो दायित्व मिला है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इस उत्तराखंड के विकास के लिए, पूरे प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध रहेगी और मैं उसमें एक छोटी भूमिका अपनी निभाऊंगा। सौरभ बहुगुणा को धामी मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी। सितारगंज स्थित मुख्य चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर जमकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। तो इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से सभी क्षेत्र में लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि युवा विधायक सौरभ बहुगुणा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास को और भी गति मिलेगी। धामी जी के मुख्यमंत्री बनने पर पूरा उत्तराखंड में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है और अपने मंत्रिमंडल के में दो लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को शामिल कर लिया है। और सितारगंज विधानसभा की महिलाएं इतनी संघर्ष की थी कि सौरभ बहुगुणा जी को मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। इस खुशी में हम लोग एकत्रित होकर मिष्ठान वितरण कर रहे हैं और गाँव की जो जहाँ सुन रहा है सौरभ बहुगुणा जी की जयकार मचा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिद्धारण के अंदर एक चुनाव के दौरान एक हवा चली थी कि स्थानीय उस स्थानीय प्रत्याशी ने यहाँ के लोगों का ऐसा दिल जीता कि दिल्ली वालों ने उसे कैबिनेट बनाकर सिद्धारण वासियों को तोहफा दिया है। पहली बार सिद्धारण विधानसभा से कोई व्यक्ति मंत्री पद जो भी कैबिनेट के स्तर पर पहुंचे वो हमारे सौरभ भाई, हमारे विधायक। और खटीमा के जो आपने भी पड़ोसी विधानसभा का, वहाँ के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि खटीमा वालों जिस हीरे की अगर आपने नहीं करी उसे दिल्ली वाले झोली तराश गए और उन्होंने और हार बाजीगर नहीं कहते, पुष्कर सिंह धामी कहते हैं।